हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन कुमार गुप्ता। लोग मुझे सीके सर के नाम से जानते हैं। फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ गुवाहाटी में मैं, कैटलिस्ट करियर इंस्टीट्यूट में। ठीक है, मैं इलेक्ट्रो स्टेट को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। नेक्स्ट आप हेडिंग लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जेडब्ल्यू या नीट में एक सवाल पक्के से मान के चलो आना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल रहे हैं, तो हमने उसको स्टडी करने के लिए अपने हिसाब से इमेजिन कर लिया कि ये लाइंस में रहता है, ऐसे ऐसे निकल के जाता है कहीं कहीं पे उसका। ठीक है, उसका कुछ डायरेक्शन होता है, तो हम उसी को स्टडी करने वाले हैं कि उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है जिससे हमको पढ़ने में उसको आसानी हो। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी आप लिखो, लिखते जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज और इंफिनिटी। लिखो मैं जो बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज और इंफिनिटी एंड टर्मिनेट्स एट अ नेगेटिव चार्ज और इंफिनिटी। टर्मिनेट्स एट अ नेगेटिव चार्ज और इंफिनिटी। सबसे पहला एज्यूम्पशन हमारा यह है बच्चों कि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा वहां से, और निगेटिव चार्ज है तो उस पर टर्मिनेट होगा। ये निकल के कहां जाएगा, या तो नेगेटिव चार्ज पे या तो इंफिनिटी पे, तो इंफिनिटी पे टर्मिनेट भी हो सकता है। और फिर से यहां पे सोचो, यहां पे जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है, या तो पॉजिटिव चार्ज से आ रहा होगा या तो इंफिनिटी से आ रहा है। तो इंफिनिटी से ओरिजिनेट भी हो सकता है और टर्मिनेट भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज से हमेशा ओरिजिनेट होगा और निगेटिव चार्ज पे हमेशा टर्मिनेट होगा। ये डायग्राम बनाते जाना है पॉइंट के नीचे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज और इंफिनिटी एंड टर्मिनेट्स एट अ नेगेटिव चार्ज और इंफिनिटी। ठीक है, उसका डायग्राम ये। पॉइंट नंबर टू, सेकंड पॉइंट, इसको डायग्राम को नोट करते जाना पॉज करके। तुम सेकंड पॉइंट में लिखो, इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट of electric field lines, then it gives the direction of electric field as well as force both. If we draw a tangent at any point of electric field lines, then this gives the direction of electric field and force both. एट दैट पॉइंट, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और मजे वाली बात क्या, मैंने तुमको पढ़ा रखा है एफ इक्वल टू क्यू ई, ये होता है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही, फोर्स का डायरेक्शन भी इधर ही, इसीलिए इन लाइन्स को हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं। नीचे लिखो लाइन चेंज करके, देयरफॉर These lines are also known as electric lines of forces. Therefore, these lines are also known as electric lines of forces. Therefore, these lines are also known as electric lines of forces. ये डायग्राम बना लेना है इसके नीचे। ठीक, पॉइंट नंबर थ्री, थर्ड पॉइंट में लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कहने का मतलब चार पांच चार्जेज अवेलेबल है, तो चार पांच चार्जेज अवेलेबल है उसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया जाए तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो उसके किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालते हो तो वो हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, यानी कि जितने भी चार्जेज अवेलेबल हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल थे, उन सब के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका नेट रिजल्टेंट देता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो वही थर्ड पॉइंट फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज। ठीक है, उसके बाद इसको नोट कर लेना भाई, तीसरे में कोई डायग्राम नहीं बना रहा हूं, पॉइंट नंबर फोर की तरफ चलते हैं। चौथा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, पूछा हुआ है, two electric field lines never intersect each other
two electric field lines never intersect each other. Two electric field lines never intersect each other. कोई बोले कि ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम सही है क्या? नहीं, ये गलत है बच्चों. कोई पूछे रीजन, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे देखो, अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो एक टेंजेंट इधर और इस वाले कर्व पे टेंजेंट इधर, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल मतलब किसी एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं हो सकता है. तो मैं फिर से बोल रहा हूं, पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी विल गेट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रॉन्ग. बिकॉज एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी विल गेट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रॉन्ग. ठीक है, नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर फाइव. ये डायग्राम इसमें बना लेना फोर में, और नेक्स्ट पॉइंट पे लिखे आप, इफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज हाई, इफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज हाई देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी हाई. इफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज हाई, density of electric field lines is high, then electric field intensity will be high and vice versa. इसका मतलब क्या क्या बोलना चाह रहे हो सर? ये देखो मतलब क्या है, ये देखो मान लो कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपको दे दिया है, ठीक है, और यहां पे एक पॉइंट दे दिया ए और यहां पे एक पॉइंट दे दिया बी. बोला बताओ कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा? तो तुम देखो डेंसिटी कहां पे ज्यादा है, यहां पे ज्यादा डेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी. तो यही बोलना चाह रहा है ये पॉइंट कि किसी पॉइंट पे अगर डेंसिटी लाइंस का ज्यादा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, किसी पॉइंट पे अगर डेंसिटी कम है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होगा. ये डायग्राम बनाए. और उसके बाद पॉइंट नंबर सिक्स, इसमें लिखो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप. ऐसा लूप कभी नहीं बनाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप बिकॉज The work done by conservative forces in a closed loop is always zero. But यहां पे electrostatic force के कारण work done zero नहीं आता है. Work done due to electrostatic force is not zero. Therefore, ऐसा बोला गया. हमें पता है ये बात, हम work power energy में पढ़ चुके हैं कि कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्लोज लूप में उसका वर्क डन जीरो आना चाहिए. लेकिन जब यहां पे इसका वर्क डन निकाल के देखा गया क्लोज लूप में तो जीरो नहीं आया, और ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो यहां से मतलब ऐसा एक बनाया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, ये डायग्राम बना लेंगे. उसके बाद पॉइंट नंबर सेवन बोलता है, लिख लो पहले फिर एक्सप्लेन करता हूं. नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. इसका मतलब देखो बच्चों बहुत सिंपल है. जैसे मान लो कि 2 कूलम का चार्ज है और यहां से किसी ने बोला कि चार लाइन निकल रहा है, ठीक है ना, चार लाइन यहां से मतलब ओरिजिनेट हो रहा है. तो अगर कोई बोले कि अगर 4 कूलम का चार्ज ले लें तो क्या होगा? तो अगर यहां 4 था तो यहां 8 हो जाएगा बच्चों. यही ये पॉइंट बोलना चाह रहा है
कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि अगर 2 कूलम से 4 निकल रहा है तो 4 कूलम से 8 निकलेगा, 8 मतलब और निकाल दो, ये लो। अगर बोलता 2 कूलम से 10 निकल रहा है तो 4 कूलम से 20 निकलेगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ऑरिजिनेटिंग या टर्मिनेटिंग दोनों। फिर से बोल देता हूं एक बार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये बना लेना डायग्राम। उसके बाद पॉइंट नंबर एट में कुछ फेमस डायग्राम है, आपको देख लेना है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज रखा है मार्केट में, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और बोले कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम बनाओ, हमें पता है पॉजिटिव से निकलेगा निगेटिव में घुसेगा। बच्चों एक तो मान लो ऐसे निकला सीधा घुस गया, ठीक है, और हो सकता है कैसे निकला हो, ऐसे घूम के गया हो, ऐसे गया हो, ठीक, और एक ले लो, लेकिन हर यहां से निकलने वाला इसमें इंटर तो कर नहीं सकता है, तो कुछ ऐसा भी होगा जो निकल के ऐसे चला गया होगा, उसमें जा नहीं पाया होगा, ठीक है, फिर ऐसा कुछ, ठीक है, बाकी अपना गया होगा इस तरह से, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें टर्मिनेट करता है, तो यहां से जो निकला कुछ तो टर्मिनेट कर गया, कुछ बाहर से भी आया होगा टर्मिनेट करने के लिए, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा अगर एक पॉजिटिव चार्ज हुआ एक निगेटिव चार्ज हुआ तो, ठीक है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि 2 पॉजिटिव चार्ज दे दे आपको, बोले कि बताओ इसका डायग्राम बनाओ, इसी पॉइंट के अंदर डायग्राम बना लेना बस, हो सकता है एक प्लस क्यू चार्ज दे दे और एक और प्लस क्यू चार्ज दे दे, बोले कि अब इसका डायग्राम बनाओ, तो डायग्राम देखो, पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे का किसी में इंटर नहीं करेगा, पहले तो इस बात का ख्याल रखें, यहां से निकला मान लो, यहां से निकला, इसमें नहीं घुसेगा, सेम कहानी इसका भी होगा, ये तो इंटर नहीं करने वाला है, तो कुछ ऐसा इसका भी जाएगा, इससे दूर भागने की कोशिश करेगा, ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा इनका अगर 2 पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो, क्योंकि कभी भी ना तो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर सकता है और ना ही कभी क्लोज लूप बना सकता है, तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज है तब तो ठीक है, पॉजिटिव से निकलेगा निगेटिव में घुसेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा, क्योंकि दोनों से निकलना ही है, एंट्री किसी में, टर्मिनेशन किसी में नहीं होगा, तो ये 2 और फेमस डायग्राम। और पॉइंट नंबर 9 में एक सिंबल है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी भी अगर इस तरह का लाइन दे दे, ऐसा लाइन बना के, ठीक है, तो आप मान लेना कि दिस इज सिंबल ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका यूज करते हैं बच्चे, विथ इक्वल सेपरेशन पैरेलल लाइन अगर दे दे तो दिस इज सिंबल ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका यूज होता है, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। इसके बाद कहानी में एक दो सवाल लेके आते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद बताते हैं क्या होगा। पहला सवाल ये है, जेई का पूछा हुआ सवाल है बच्चों, ठीक है, बोला कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहां पे प्लस क्यू रखा, यहां पे प्लस क्यू रखा, यहां पे प्लस क्यू रखा, तो बोला कि इनका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम कैसा होगा। देखो पहला ऑप्शन क्या दिया, पहला ऑप्शन दिया था कुछ ऐसा, यहां क्यू था, यहां क्यू था, यहां क्यू था ना, ऑप्शन उसने कैसा बना के दिया, ये पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन था उनका क्या किया था कुछ ऐसा गया, ये दूसरा ऑप्शन था, तीसरा पता नहीं क्या बनाया था अपनी मर्जी से उसने, कुछ कुछ बना के दे दिया था, तीसरा डायग्राम कुछ ऐसा था और चौथा डायग्राम उसने दिया था। अब देखो, और आपको शायद अभी फील आ जाए कि क्या होने वाला है जीवन में, चौथा डायग्राम कुछ ऐसा दिया था, ठीक है, बोला कि बताओ इनमें से कौन सा है जो सही है, अगर 3 चार्ज रख दिया जाए तो तुम बेसिक कॉन्सेप्ट याद करो, क्लोज लूप तो कभी बना ही नहीं सकता है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसमें भी क्लोज लूप बना है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकता है, तो यही है परफेक्ट डायग्राम, यानी कि तीनों पॉजिटिव चार्ज था तो सब एक दूसरे से दूर भागता, तो ऐसा कुछ डायग्राम इसका बन जाता, तो ये बिल्कुल सिंपल बेसिक सवाल ऐसा पूछ लिया जाता है। एक चलो बढ़िया लेवल का सवाल कराता हूं आपको मैं,
आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा वर्क पावर एनर्जी में, ठीक है। उसका एक सवाल कराता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, कोमा में बिल्कुल मत जाना, यहीं पे रहना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया सवाल है, मजा आ जाएगा। हाँ जी देखो, सवाल कुछ ऐसा है कि एक ऐसा है, मान लो यहां से एक सिंपल पेंडुलम, ये है इसका चार्ज Q है, मास इसका M है। सवाल यही है कि इसको कितना दिया जाए U मिनिमम ताकि ये अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। सवाल लिख लेना, अगर साइड में लिखना हो तो फाइंड U मिनिमम टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। VCM का मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये सवाल ऐसे तो बहुत सिंपल है, आंसर होता है बच्चों अंडर रूट 5gr। अगर ये r दे दे तो अंडर रूट 5gr इज द आंसर, वर्क पावर एनर्जी में अगर पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा है अभी सवाल में, क्या है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है बच्चों, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है इस डायरेक्शन में। अब आपसे बोला कि बताओ अब यू मिनिमम का वैल्यू, अगर ये अप्लाई कर दिया तो यू मिनिमम का वैल्यू क्या होगा सच दैट ये पार्टिकल अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट एक ही लगाया जाता है, एक ही कॉन्सेप्ट क्या लगाया जाता है कि इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब पहुंचे पार्टिकल, मैं थोड़ा सा आपको लिख के बताता हूं, अगर इसको मैं ए नाम दे दूं, इसको बी नाम दे देता हूं, इस वाले पॉइंट को जब यहां पहुंचेगा बी पे, तो जब पार्टिकल यहां पे पहुंचा इस पॉइंट पे, ये रेडियस आर था, ये पार्टिकल यहां पे आ गया, चार्ज क्यू है, मास एम है, ठीक है। जब यहां पहुंचा, मान लो कि इसका स्पीड हो गया v, पार्टिकल को हमने यहां से दिया था u मिनिमम, u मान लो चलो, और यहां पहुंचने के बाद स्पीड हो गया v, तो कंडीशन ये लगाते हैं कि इस पॉइंट पे जो टेंशन लगे, टेंशन, ठीक है ना, टेंशन, वो टेंशन का वैल्यू जीरो से बड़ा, यानी कि जस्ट टेंशन, मतलब स्ट्रिंग स्लैक नहीं होना चाहिए, स्ट्रिंग लूज नहीं होना चाहिए, स्ट्रिंग लूज हो गया तो पार्टिकल गिर जाएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं करेगा, वो पैराबोलिक पाथ कवर कर लेता है, वो शायद आपको पता हो, खैर जो भी हो। तो अगर इस पॉइंट पे हमने टेंशन को ग्रेटर देन जीरो कर दिया तो अपना काम हो जाएगा। तो क्या क्या फोर्सेस लग रहा है जरा देखो बच्चों, एक बार फोर्सेस एनालाइज करते हैं। यहां पे तो ये हो गया टेंशन, अगर स्पीड v है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है, पता ही होगा mv2/r, ठीक है बात। और क्या क्या फोर्स लगेगा बताओ बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे था तो एक फोर्स लगेगा इस पे QE, अगर ये TC है तो यहां पे एक फोर्स लगेगा QE, ठीक है। तो ये फोर्सेस लग रहे हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, TC प्लस QE ये वाला माइनस TC प्लस QE इक्वल टू क्या, mv2/r, ये लिखते थे सर्कुलर मोशन में। तो यहां से TC का वैल्यू देखो अगर, तो और कुछ फोर्स लगेगा क्या, अच्छा ग्रेविटेशन, सॉरी ग्रेविटेशन भी तो लगेगा, यहां पे लिख देता हूं mg एक और लगेगा, मास भी है इसका, ठीक है। तो TC प्लस QE प्लस mg, TC प्लस एट पॉइंट b, यानी कि अपर मोस्ट पॉइंट पे मैं लिख रहा हूं इक्वेशन, TC प्लस QE प्लस mg मस्ट बी इक्वल टू mv2/r, और यहां से देखो तो TC का वैल्यू कितना निकलेगा, इन सबको उधर भेज दें तो mv2/r माइनस QE माइनस mg इक्वेशन नंबर वन। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि v अपने को पता ही नहीं है, ठीक है ना, अपने को तो u मिनिमम निकालना था कहानी में, v अलग से एक्स्ट्रा कहानी आ गया है। अभी एक और रिलेशन चाहिए हमको u और v में, ताकि मार्केट में हम u को लेके आ सके। अब उसके लिए फिर से बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो वर्क और एनर्जी के बिना ये सवाल तो बनेगा नहीं, तो मैं लगा रहा हूं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखना, वर्क डन किसका किसका आएगा, वर्क डन कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो mg का आएगा, प्लस वर्क डन और किसका आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE का आएगा, प्लस और किसका वर्क डन आएगा बच्चों, टेंशन का आएगा, टेंशन, तीन ही तो फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा k, मतलब हाफ k फाइनल माइनस k इनिशियल, फिलहाल तो ये लिख देता हूं k फाइनल माइनस k इनिशियल। अब देखना इधर mg का वर्क डन, mg हमेशा नीचे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, r और r, यानी कि 2r, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो एक माइनस साइन mg इंटू 2r।
QE का भी सेम कहानी, फोर्स हमेशा नीचे लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे था, तो वहां भी एक माइनस साइन QE इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 2R। टेंशन की बात करो, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा एंगल बच्चों 90 डिग्री का है। देखो किसी पॉइंट पे पकड़ लो, मान लो ये वाला पॉइंट पे, यहां पे देखोगे तो टेंशन इधर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, यहां पे चले जाओ तो टेंशन इधर लगेगा डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यानी कि एंगल हमेशा 90 डिग्री है हमेशा दोनों के बीच में। और फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट आपको याद होगा fs cos थीटा cos 90 जीरो हो जाएगा, जिसका वर्क डन हो गया जीरो। इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल स्पीड v था तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी u था तो हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। अभी इस डायग्राम को मैं मिटा रहा हूं, कैलकुलेशन करना है थोड़ा, आ जाओ यहां से आप देखो मुझे इसका यूज करना है। यहां पे एक काम करते हैं, यहां mv स्क्वायर है, यहां से mv स्क्वायर का वैल्यू निकाल देता हूं मैं, ठीक है। तो mv स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर भेजा, यानी कि हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू ये इसको इधर भेज दिया, इधर आके हो गया हाफ mu स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2mgr माइनस 2qe इंटू r। ये 2 को उधर भेज देता हूं, ठीक है ना, ये 2 को उधर भेज दू तो mv स्क्वायर का वैल्यू आ जाता, ये तो हो जाता mu स्क्वायर और ये हो जाता 4 माइनस 4mgr माइनस 4qer, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस mv स्क्वायर का वैल्यू उठा के यहां पुट कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखें कंफ्यूज ना हो, तो मुझे थोड़ा और मिटाना पड़ेगा, आप नोट करते जाना। अपने को मिला tc इक्वल टू mv स्क्वायर के जगह पे रख दिया मैंने mu स्क्वायर माइनस 4mgr माइनस 4qer, ठीक है, डिवाइडेड बाय r था, r आ गया और साथ में माइनस qe माइनस mg तो चल ही रहा है मार्केट में। और फॉर कंप्लीट VCM, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या करना होगा, अपर पॉइंट पे टेंशन मस्ट बी ग्रेटर इक्वल जीरो, ग्रेटर इक्वल जीरो कर दिया। अब देखो यहां पे बचा एमई स्क्वायर बाई आर, एमई स्क्वायर बाई आर, ये आर आर कैंसिल होके माइनस 4mgr, माइनस 4mg बचेगा, माइनस 4qe बचेगा बच्चों, और यहां बचा हुआ है माइनस qe माइनस mg ग्रेटर इक्वल जीरो, देखते जाए। तो यहां से देखो तो mu स्क्वायर बाई आर ये बन गया माइनस 4mg माइनस mg यानी कि माइनस 5mg और ये बन गया माइनस 5qe ग्रेटर इक्वल जीरो। मुझे u निकालना था, बाकी सबको उधर भेजो, तो mu स्क्वायर बाई आर ग्रेटर इक्वल इनको उधर भेज दूं तो 5mg प्लस 5qe, सही बात, m और r को भी भेज देते हैं उधर, तो क्या मिलता, अपने को मिलने वाला था u स्क्वायर ग्रेटर इक्वल m और r को भेजा है तो r तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, r इंटू आर बाई एम आ गया इधर अंदर है 5mg माइ प्लस 5qe, ठीक है बात, m को अंदर भेज दो तो u स्क्वायर ग्रेटर इक्वल r इंटू m को अंदर भेज दो तो 5g बचेगा, mm कैंसिल, यहां पे आ जाएगा प्लस 5qe डिवाइडेड बाई m, 5 को बाहर निकाल लो, u स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 5r इंटू जी प्लस qe बाय m, यानी कि u मस्ट बी ग्रेटर इक्वल अंडर रूट 5r इंटू जी प्लस qe बाय m। ये है बच्चों मिनिमम, इतना मिनिमम स्पीड उसको देना पड़ेगा तब जाके वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सकता है। ध्यान से देखो तो ये g है, g प्लस qe बाय m, पहले आंसर आता था 5gr स्टार्टिंग में 5gr, लेकिन अभी आ गया 5r into g plus qe by m, इसको बोलते हैं बच्चों g effective, यानी कि ऐसे भी इसको लिखा जाता है u minimum must be greater equal under root 5g effective into r, ये होता है एक्चुअल आंसर उस कंडीशन में, g होता है यहां पे, g इफेक्टिव हो जाता है g plus qe by m, क्योंकि एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो काफी बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन ठीक है, मतलब कॉन्सेप्चुअल है, तो अगर समझ आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर पूछना आप बाद में, नोट करो उसको। हाँ जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कहानी। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इतना मुझे डिस्कस करने का जरूरत नहीं था, लेकिन जेडब्ल्यू के लिए अगर तैयारी करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा और घुसता हूं वर्क और एनर्जी के ऊपर, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड
पोटेंशियल एनर्जी। एक चीज तो सबको पता होता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये शायद आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो वर्क और एनर्जी जरूर देखो एक बार। वर्क डन का मतलब होता है क्या? वर्क डन का मतलब होता है इंटीग्रल एफ डॉट डीएक्स, एफ डॉट डीआर बोलो ज्यादा बढ़िया लगेगा, इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब देखो एक्स डायरेक्शन में अगर बात करना है ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ऑफ डेल्टा यू का मतलब होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है ना, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो चाहो तो अगर वन डायरेक्शन की बात करें, फॉर वन डायरेक्शन की अगर बात करें तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चे ये बन जाता है यू आई माइनस यू एफ, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इक्वल टू इंटीग्रल कितना एफ डॉट डी एक्स, अगर एक डायरेक्शन में है तो एफ डॉट डी एक्स। अगर थ्री डायरेक्शन की बात करें, ठीक है ना, थ्री डी की बात करें अगर, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, यू आई माइनस यू एफ इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स, डी आर की जगह पे, ये जो डी आर था उसकी जगह पे हम लिखा करते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। कैसा सवाल आता है उसके अकॉर्डिंग। एक तो रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा रिलेशन क्या है यहां से देखो, एफ डॉट डी आर इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, इसको डी के टर्म में अगर लिखे तो मैं लिख सकता हूं कितना, कितना लिख सकता हूं एफ इक्वल टू, इसको इधर भेज दूं तो एफ इक्वल टू कितना आएगा माइनस ऑफ डी यू डिवाइडेड बाई डी आर, ठीक है ये कहानी। फिर से वही कहानी, अगर इसको वन डायमेंशनल के लिए देखें, वन डी के लिए, वन डी के लिए तो हम इसको लिख सकते हैं कितना एफ इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो। और अगर इसको 3D में लिखना चाहें, थ्री डायमेंशन में, तो हम क्या लिखेंगे F इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स इंटू आई कैप माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल वाई इंटू जे कैप माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल जेड इंटू के कैप। ये कहानी बच्चों, जहां पे डेल जो है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, लिख लेना डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड रिप्रेजेंट पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब जब डेल एक्स है तो एक्स वेरिएबल है बाकी सब कॉन्स्टेंट, जब y है तो y वेरिएबल है बाकी सब कांस्टेंट, और जब z है तो z वेरिएबल है और बाकी सब कांस्टेंट है। तो f इक्वल टू, ये रिलेशन पक्के से तुमने वहां भी देखा होगा वर्क पावर एनर्जी में बिल्कुल आता है, f इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप एंड माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। अगर 3D की बात हो, 2D, 1D में तो सिर्फ माइनस डेल यू बाई डेल एक्स या फिर माइनस डी यू बाई डी एक्स कर लो आप, ठीक है बात। आप देखो इस पे एक दो सवाल करा देता हूं, पता तो लगे कैसा सवाल। हालांकि वर्क पावर एनर्जी का बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल वही सवाल यहां भी बनता है जैसा वहां बनता था, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये टॉपिक इसलिए कराया है ताकि अगले वाले चैप्टर को मैं लिंक कर सकूं इसके साथ, ठीक है। जैसे एक सवाल देखो, यू इक्वल टू दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस कितना, एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई, आपको बोला फोर्स निकालो। फोर्स हमें पता है, फोर्स जो होता है वो होता है माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप। के कैप लाने की जरूरत नहीं है, देखो के का टर्म ही नहीं है। अब देखो क्या करते हैं, एफ इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स का मतलब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, वाई को कॉन्स्टेंट मान के, एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो गया वाई का जीरो हो गया इंटू आई कैप। माइनस डेल यू बाई डेल वाई का मतलब वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, एक्स को कॉन्स्टेंट मान के, तो जीरो हो गया एक्स स्क्वायर का और इसका हो गया 2i का 2 into j कैप, यानी कि आपको फोर्स का एक्सप्रेशन मिल जाएगा बच्चों माइनस 2xi कैप माइनस 2j कैप। तो इस तरह से अगर पोटेंशियल एनर्जी दिया हो तो आप फोर्स निकाल सकते हो। एक और सवाल इस पे बनता है बहुत बढ़िया, वो भी बता देता हूं मैं आपको, इसको नोट करो पहले पॉज करके। अगला सवाल क्या बन सकता है, पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट पे दे दे दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल ले। इंपॉर्टेंट सवाल वर्क पावर एनर्जी में भी आता है, बोल दे कि इफ इफ फोर्स इक्वल टू दिया हुआ है, फोर्स का एक्सप्रेशन आपको दे दिया एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप, ठीक। आगे बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी एट कहां पे, 1.2 ए पॉइंट है कोई 1.2 इज 10 जूल, देन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट 3.4, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी 3.4, ठीक है ये सवाल है, नोट करो। देखो कैसे करते हैं,
हमें पता है ui minus uf इक्वल टू इंटीग्रल f डॉट dr, ठीक है, ये रिलेशन आप याद रखो हमेशा, बहुत काम का रिलेशन है। तो इसको मैंने क्या लिखा, ui minus uf इक्वल टू, अब फोर्स क्या दिया हुआ है बच्चों, फोर्स दिया हुआ है x स्क्वायर i कैप प्लस y j कैप, ठीक है। तो dr दो है, x भी है और y भी है, तो dr की जगह पे आ जाएगा dx i कैप प्लस dy j कैप, डॉट प्रोडक्ट है ये, तो डॉट प्रोडक्ट इनका करो तो देखो क्या बनेगा, आई डॉट आई वन हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट तो आता ही होगा तुमको, तो एक्स स्क्वायर डीएक्स बन जाएगा प्लस अलग अलग कर लो वाई डी वाई बन जाएगा, और लिमिट भी एक्स और वाई का, एक्स का वैल्यू देखो तो वन से लेके थ्री तक जा रहा है, तो वन से लेके थ्री, और वाई का लिमिट देखो तो टू से फोर जा रहा है, तो टू से लेके फोर, बस बाकी नॉर्मल इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बाई थ्री, लिमिट वन से थ्री, प्लस वाई का हो गया वाई स्क्वायर बाई टू, लिमिट है आपका टू से लेके फोर। यहां पे देखो थ्री रखो तो 27 माइनस वन 26 डिवाइडेड बाई थ्री आएगा, और यहां पे देखो फोर रखो तो 16 माइनस टू रखो तो फोर, 16 माइनस फोर इज 12, 12 बाई टू हो गया 6, तो आ गया 26 बाई थ्री प्लस 6। यूआई माइनस यूएफ बच्चों, यूआई मतलब यूए, और ये पे पोटेंशियल एनर्जी 10 था, तो 10 माइनस यूएफ यानी कि यूबी, यहां से यूबी नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा सर, यूबी का वैल्यू इसको उधर भेज दो बाकी को इधर ले आओ, तो 10 माइनस 26 बाई 3 माइनस 6 जूल, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से अगर किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी दिया हो तो हम लोग दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। बोलोगे सर अचानक से पोटेंशियल एनर्जी क्यों कर रहे हो आप? देखो बिना मैकेनिक्स को मिक्स किए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने का मजा नहीं है, नीट के लिए फिर भी हो जाएगा बट जेडब्ल्यू के लिए तो करना पड़ेगा यार, कोई उपाय नहीं है। अब चूंकि अगला टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए मैं थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि कैसे करते हैं इसके सवाल, ठीक है। बाकी आप वर्क पावर एनर्जी को फिर से जाके रिवाइज करो, क्लास 11 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। ठीक है फिर आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, पढ़ते रहो, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना।